सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान बाबा, पूरे कल्प भर के भाग्य बनाने वाले, सदगति दाता सर्वशक्तिवान मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत ना करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है, उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है। बाबा कहते हैं, बाप के पास पवित्रता सुख शांति का भंडार सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने। वह है एवर पवित्र। बाबा ने बहुत सुंदर सा गीत याद किए हैं, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, न उल्फत दिल से निकलेगी, न उल्फत ये दिल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत ये दिल से निकलेगी। बाबा कहते हैं, यह बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं, यह बच्चों की आत्माएं कहती है। अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, ना कि परमात्मा। जिसे सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाप समझाते हैं, इतना समय तुम सब देही अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा मिलती है वापस घर जाने के लिए। फिर सतयुग में तो है तुम्हारी प्रारब्ध, जब यहां तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान के प्रारब्ध का पाठ बजाते हो। वहां तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न नहीं। कहां सतयुग में, इस समय तो मनुष्य का पता ही नहीं कि हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है, बिल्कुल ही मुझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा कि हम तुम सब परमात्मा है, जिधर देखता हूं तू ही तू, इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक ही जैसे नहीं होती। एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसे नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं, अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे। बाबा को बच्चे कहते हैं, यह हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता, भल अपवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती है, बाबा यह सितम सहन करूंगी। जैसे दुख समय मुख से निकलता है ना, हाय राम है प्रभु, तो तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो। बाबा हम दुख से कब छुटेगी,
हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी तो कहते हैं कितनी भी मार पड़ेगी, हाँ, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे, बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का ही बनना है, जितना बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तो बड़े प्यार से बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि याद से ही शक्ति मिलेगी। मुख्य बात है अहम आत्मा, यह मेरा शरीर, अहम आत्मा ही शांत स्वरूप, मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। ये कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन वो बाहर में ढूंढ रही थी। तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगल में जाने की दरकार नहीं। यहां तो है ही माया का राज्य, यहां शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वो तो है अल्पकाल कागविष्ट समान सुखत वा शांति, हमको तो अविनाशी चाहिए। तुम बच्चों को चाहिए क्या चाहिए? स्थाई शांति। पवित्रता से ही शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवर पवित्र हैं, वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लभ है, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो, बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे कि बराबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परमपिता परमात्मा है, जिसको ही पति पावन सदगति दाता कहा जाता है। सभी को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। सदगति तो बाप ही करेंगे ना, और तो कोई कर ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं तुम बाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रविष्टता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं, नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सत्युग में सुंदर था, फिर कलिग माया सर्प ने डस कर काला कर दिया। अब कहां की बात कहां ले गए हैं, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। बाप रचयिता और रचना का किसी को पता नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है। इस समय तो सभी तमो प्रधान है, किसी को भी पछाड़ने में देरी नहीं करती माया। एकदम क्या करती है, नाक पकड़कर गिरा देती है। इसलिए भागवत है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। अब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं, अनेक जन्मों के पाप विनाश करने के लिए टाइम लगता है। तुम्हारे अंत तक पुरुषार्थ चलता है, लेकिन बाबा कहते हैं पहली पहली बात है दही अभिमानी बनना। अब देखो जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही है मरना और मारना है। वो संस्कार ले जाते हैं, जन्म भल गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप हैं, इसीलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तब ही विकर्म विनाश होंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा में कहते हैं, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूं, यह अभ्यास करते पूरा पूरा दही अभिमानी बनना है। बुद्धि योग की रेस करनी है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्न को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडल भव। बाबा कहते हैं कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू,
हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते हैं, सदा ही अचल अडल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसा होता है क्या? लेकिन नथिंग न्यू तो क्या, क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं अचल अडल बिंदु स्वरूप बिंदु लगाने वाले बिंदु स्मृति में बिंदु आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिमान बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।